नहीं नहीं मेरे लिए चौंकाने वाला ही है, लेकिन एक चीज जो बड़ी चीज है जो शुरू से ही कहा जा रहा था और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत साफ था कि कास्ट न्यूट्रल कोई मुख्यमंत्री होगा, यानी उनके लिए हिंदू पहचान हो सकती है लेकिन जाति पहचान नहीं होगी। और जब शुरू में इस थ्योरी पर हम लोग जा रहे तो हमें ये लग रहा था, शायद इसीलिए मीडिया ने सबसे आगे जाकर मनोज सिन्हा का नाम लिया, और अभी जब जो ढेर सारे सोशल मीडिया को मैं नब्ज समझता हूं वो उस पर जो मैसेज आ रहे हैं वो आ रहा है जाति न पूछो साधु की। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह पे या जिस भी तरह से कहें, हम में से किसी को कुछ पता तो है नहीं इस बारे में, लेकिन जिस तरह से भी ये तय हुआ हो कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, उसमें एक बड़ी चीज है कि एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसी रणनीति पर आगे बढ़ेगी जो 2017 के चुनाव में रही, दूसरी जाति प्रभावी नहीं होगी। और अगर आप देखें तो जाति के तौर पर चाहे योगी आदित्यनाथ हो तो वो साधु हैं तो उनकी जाति पूछना नहीं है, ऐसा तो पहले से कहा जा रहा है। दिनेश शर्मा को भले ही शर्मा की वजह से लोग ब्राह्मण कहें लेकिन दिनेश शर्मा की भी किसी जातिगत नेता के तौर पर पहचान नहीं है, और लगभग वही स्थिति केशव मौर्य की है। ठीक है कि मौर्य होने की वजह से वो एक वर्ग जुड़ता है, जाति का एक वर्ग जुड़ता है, लेकिन तीनों ही जो कोशिश की गई है वो कास्ट न्यूट्रल एक सीएम और डिप्टी सीएम पेश करने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नई राजनीति है उसमें हिंदू पहचान तो हो सकती है लेकिन जाति पहचान नहीं हो सकती, उस लिहाज से एक्सपेक्टेड लाइन पे, लेकिन हम सभी के लिए खास करके